इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। रोग मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, जनता मां के जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एसपी त्रिपाठी। कोरोना महामारी से पूरी दुनिया त्रस्त है। दुनिया भर के कई देशों में ओमिक्रॉन संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी देते हुए चेताया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट इस महामारी का अंत नहीं है। ऐसे में कोरोना महामारी फिर अपना रूप बदलेगी, इसलिए लोगों को इस महामारी के प्रति अभी भी पूरी सावधानी बरतनी होगी। वहीं छत्तीसगढ़ में अभी भी कोरोना की रफ्तार लगातार जारी है। एक वक्त था जब यही छत्तीसगढ़ कोरोना का पहली लहर में पूरे देश में नजीर बनकर उभरा था, लेकिन गुजरते वक्त के साथ तस्वीर उलट गई। तीसरी लहर में भी कोरोना के रोजाना 4,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन राहत की बात तो ये है कि गंभीर मरीजों की संख्या बहुत कम है। वहीं अब कोरोना को मात देकर स्वस्थ होने वालों की तादाद नए पॉजिटिव केस की तुलना में अधिक है, इसलिए पहली और दूसरी लहर की तुलना में तीसरी लहर लोगों के लिए ज्यादा परेशान नहीं कर रही है। फिर भी सावधानी बरतने की जरूरत अभी भी है। वहीं विपक्ष के कोरोना को लेकर भूपेश सरकार को घेरने के लिए अलग ही तर्क है। बीजेपी का कहना है कि प्रदेश सरकार कोरोना को लेकर गंभीर नहीं है, जबकि कांग्रेस प्रदेश में कोरोना के नियंत्रण के लिए भूपेश सरकार के कुशल प्रबंधन को श्रेय दे रही है। जबकि चिकित्सा विशेषज्ञ कोविड वैक्सीन को कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए बड़ा हथियार मान रहे हैं। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर कोरोना की हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ में गुरुवार को 4,645 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि 19 लोगों की मौत हुई है। 43,754 सैंपल जांच के साथ राज्य की पॉजिटिविटी दर 10.62% रही है। इधर कोरोना संक्रमण को देखते हुए महासमुंद में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं एहतियात के तौर पर आंगनबाड़ी और स्कूल भी बंद करने के निर्देश दिए गए हैं और जिले में नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू किया गया है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग में सर्वाधिक 893, रायपुर में 774, राजनांदगांव में 275 समेत अन्य जिलों में भी कोरोना संक्रमितों के केस दर्जनों में मिल रहे हैं। गणतंत्र दिवस के दिन 10 कोरोना पीड़ितों की मौत हुई थी। ऐसे में कोरोना संक्रमण देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। वहीं बिना मास्क के घूमने वालों पर निगम अमला लगातार जुर्माने की कार्रवाई कर रहे हैं, बावजूद इसके लोग सुधरने को तैयार नहीं है। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। सूबे में कोरोना का कहर जारी है। लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, तो वहीं एक दिन में हुई मौतों ने सभी को दहशत में डाल दिया। दरअसल प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर उन लोगों के लिए ज्यादा घातक साबित हो रही है जो पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित रहे हैं। डायबिटीज, किडनी, थायराइड, ट्रांसप्लांट, कैंसर सहित अन्य बीमारी वाले मरीज चपेट में ज्यादा आए। इस दौरान कुछ की मौत भी हो गई। पिछले 26 दिन में प्रदेश में कोरोना से 179 मौतें हुई हैं। इनमें 142 ऐसे लोग हैं जो पहले से किसी न किसी बीमारी से पीड़ित थे। 37 मौतें केवल कोरोना की वजह से हो गई। जनवरी के अंतिम सप्ताह को तीसरी लहर का पीक माना जा रहा है। इसी दरमियान यानी कि 21 से 27 जनवरी के बीच अब तक 94 मौतें हो चुकी हैं। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 4,645 नए केस मिले हैं। 43,754 लोगों के कोरोना परीक्षण के बाद यह मरीज मिले। सबसे अधिक 893 मरीज दुर्ग जिले में मिले हैं। वहीं राजधानी रायपुर में 774 मरीज मिले। नए केस की तुलना में डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या अधिक रही है। बीते 24 घंटे में 6,516 लोग स्वस्थ घोषित किए गए। इनमें से 6,241 लोग होम आइसोलेशन में थे,
जबकि शेष 275 व्यक्ति अस्पताल में भर्ती थे। संक्रमण की रफ्तार जनवरी माह के शुरुआती दिनों की तरह बढ़ नहीं रही है, लेकिन मौतों की संख्या जरूर परेशान करने वाली है। 27 जनवरी को 19 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण से हुई है। इनमें से 11 मरीजों को अन्य बीमारियां भी थी, जबकि 8 की मौत कोरोना के कारण हुई है। मृत्यु का सबसे बड़ा कारण कोविड वैक्सीनेशन में लापरवाही है, या ऐसे मरीज जिनको पहले से कोई बीमारी थी उन्होंने वैक्सीनेशन भी नहीं लिया, ऐसे बहुत बड़ी संख्या में मरीजों की मृत्यु हुई है। ये बहुत शोचनीय विषय है और इससे हमको ये पता लगता है कि कोविड वैक्सीनेशन पहली रक्षा पंक्ति है, मास्क और सामाजिक संक्रमण गाइडलाइन के अलावा। इन्होंने मौत पे और कोरोना पे नियंत्रण लगाया नहीं, और जब मौतें बढ़ने लगी तब ये डेथ ऑडिट की बात करते हैं। इस सरकार की प्राथमिकताओं में कभी छत्तीसगढ़ की जनता रही नहीं। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार पहली, दूसरी और तीसरी लहर में भी जनता को सुरक्षित रखने के लिए कड़े और प्रभावी कदम उठाए। इसका ही कारण है कि छत्तीसगढ़ में संक्रमण की दर कम है और कोरोना जो है नियंत्रित है। बहरहाल कोरोना से निपटने के लिए सरकार के द्वारा तमाम कोशिशें जारी है। ऐसे में प्रदेश में क्या आम जनता के द्वारा बढ़ती जा रही लापरवाही कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा कर रही है, और सरकार कैसे इस समस्या से लोगों को बाहर निकालती है, ये देखने वाली बात होगी। रायपुर से दिलीप साहू, स्वराज एक्सप्रेस। तो चर्चा इसी मुद्दों को लेकर, इस पर हमारे साथ मौजूद हमारे संपादक छत्तीसगढ़ के संजय उपाध्याय हैं, साथ ही फोन लाइन पर जुड़ेंगे हमारे साथ सूर्यकांत यादव राजनांदगांव से, आशीष तिवारी दुर्ग से, सुधीर सुमन बिलासपुर से, भूपेंद्र सिंह रायगढ़ से, विपत राम पेंड्रा से, सुनील कश्यप जगदलपुर से, ओलम नागेंद्र सुकमा से हमारे साथ जुड़ेंगे। सब जगह की हम जानकारी आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले संजय, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। संजय, फिलहाल जैसा कि बाकी जगह मैंने उत्तर प्रदेश का भी अभी आकलन किया, मध्य प्रदेश का भी आकलन किया, अब जो रफ्तार थी कोरोना पेशेंटों की मिलने की तीसरी लहर में, वो अब बाकी जगह कम हो रही है, छत्तीसगढ़ में भी शायद थोड़ी बहुत कम हो रही है, लेकिन कितनी कम हो रही है? और जिस तरह से अभी एम्स के डायरेक्टर जी ने कहा कि जो गंभीर रूप से पीड़ित थे या जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी, ये मौत उनकी हो रही है। जी देखिए, जो आंकड़े जो हमारे सामने आ रहे हैं, जो लगातार हम पिछले करीब 26 से 27 दिनों से हम देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इस बात की ओर ही संकेत करता है, जैसा कि एम्स के डायरेक्टर ने कहा है कि जो मौतें हो रही हैं उनमें अधिकतर वो लोग हैं जो कि, देखिए दो चीजें हैं, एक तो कोविड से जिनकी सीधी मौत हो रही है, मतलब विशुद्ध जो कोविड से जिनकी मौत हो रही है, और दूसरी है कोमॉर्बिडिटी, मतलब जिनको गंभीर बीमारी थी, गंभीर बीमारी से पहले से पीड़ित थे, जिनका इलाज चल रहा था, उनको कोरोना हो गया है, तो उनको जब लाया गया है तो ऐसे अधिकतर लोग हैं जिनकी इलाज के दौरान मौत हुई है। हम पिछले कई आंकड़े देख रहे हैं, देखिए करीब 26 दिनों का जो आंकड़ा है उसमें 179 मौतें हुई हैं, और 179 जो मौतें हुई हैं, 179 उसमें से 37 जो हैं वो सिर्फ कोविड से गए हैं, 37 मतलब सिर्फ कोविड ही कारण था उनकी मृत्यु का। लेकिन जो 147 लोग हैं उनकी मौत हुई है कोमॉर्बिडिटी, मतलब कोरोना के साथ उनको एक गंभीर बीमारी थी और उनको कोरोना हो गया। तो ये आंकड़े तो निश्चित रूप से ये बता रहे हैं, और दूसरी ये भी चीज देखने को मिल रही है, जैसा कि मुख्यमंत्री ने, हमने पिछली बार भी चर्चा की थी कि मुख्यमंत्री ने बाकायदा ऐलान किया था, जब 15 मौतें पहली बार बड़ा आंकड़ा सामने आया था, तो उन्होंने कहा था कि हर मौतों की ऑडिट की जाए और मुख्य सचिव जो हैं प्रदेश के वो इसकी सीधी देखरेख करें और इसकी जानकारी दें, कि मतलब मौतों का ऑडिट हो कि एक्चुअली वजह क्या है, वास्तविक इसकी वजह क्या है, क्यों ये मौतें हो रही हैं। तो उस शुरुआती, देखिए अभी ऑडिट रिपोर्ट आनी है, लेकिन जो शुरुआती हमें जानकारी मिल रही थी उसमें बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने की वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली थी, या वो लोग थे जिनकी मौत हुई जो कि गंभीर बीमारियों से पहले से पीड़ित थे, तो ये संख्या ज्यादा थी जो दोनों डोज ले चुके और जिनकी आयु कम थी, जिन्हें कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, ऐसे लोगों की संख्या काफी कम थी। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये जो अभी हम देख रहे हैं, जो एक तरीके से कोरोना को लेकर संक्रमण और उपचार के बाद जो लोग ठीक होने वाले हैं उनकी संख्या हम देखें, तो इनमें अब अंतर आ रहा है। पहले हम देख रहे थे कि भर्ती होने वाले ज्यादा होते थे, डिस्चार्ज होने वाले कम होते थे शुरुआती दिनों में, जब जनवरी में ये शुरू हुआ था,
लेकिन अब हम देख रहे हैं जैसे कि कल का ही आंकड़ा हम देख लें जो आया था कि 4,600 लोग करीब संक्रमित पाए गए, लेकिन 6,500 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज हो गए, मतलब संख्या वो ज्यादा थी। और हम पिछले कई दिनों से ये हम लगातार आंकड़े देख रहे हैं, तो अब जब एक्टिव केस में कमी आ रही है तो थोड़ी सी ये राहत देने वाली बात है कि अब एक्टिव केस एक समय करीब 31-32 हजार के लगभग पहुंच गया था, अब वो नीचे उतरकर 27 हजार आया है। हालांकि 27 हजार का आंकड़ा भी बड़ा होता है। इन सब के बीच ये जो मौतें हो रही हैं ये चिंता कहीं ना कहीं बढ़ा रही हैं। 179 जैसा आपने को मैंने 26 दिन में बताया, लेकिन इनमें से 95 जो मौतें हैं वो सिर्फ 27 जनवरी के बीच हुई हैं, 21 से 27। तो ये जो मौतें हैं, तो अब जो फोकस हो रहा है मुख्य रूप से जो फोकस है वो ऐसे मरीजों पर है जो कि पहले से गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं और उनकी अब देखभाल करने के लिए और उनके उपचार के लिए और उनके लिए उपचार की जो अलग गाइडलाइन है इस पर अब चर्चा होनी शुरू हो गई है। संजय एक सवाल यहाँ ये है, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो 21 से 26 जनवरी के मौत हुई है, एक आपने बात कही कि जो ऑडिट किया जा रहा है उसमें ये आया है कि दोनों वैक्सीन जिन्होंने नहीं लगवाई है उसमें उनकी मौतें हुई है, जो 37 का आंकड़ा आपने बताया। और जैसा कि पहली लहर में तो ये था कि पहली बार महामारी आई थी तो लोगों को जबरदस्ती भी क्वारंटीन किया जा रहा था, हॉस्पिटल में एडमिट किया जा रहा था, उनको छोड़ा नहीं जा रहा था। दूसरी डेल्टा प्लस तो घातक थी, बहुत ज्यादा बहुत मौतें हुई, लेकिन ये तीसरी लहर जो छत्तीसगढ़ में क्या अनुभव किया जा रहा है, पहली लहर की अपेक्षा ही लगभग तीसरी लहर है, पहली लहर में मौतें नहीं हुई थी ज्यादा। और हॉस्पिटल वगैरह क्या पोजिशन है, कितने प्रबंध है वहां पे? देखिए अभी वही मैं आपको बताने जा रहा था कि अभी प्रदेश में करीब 21,800 से ऊपर कुछ बेड्स हैं, 21,800 से ऊपर बेड्स हैं छत्तीसगढ़ में जो पूरी तरह से उपलब्ध हैं, जिन जो कि बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल एक्टिव मोड में हैं। और उनमें से राहत की बात यही मैं कह रहा था कि अभी मात्र 1200 बेड ही भरे हुए हैं, जो 21,800 बेड्स हैं करीब 21,900 बेड्स हैं उसमें से 12,000 के लगभग ही कुछ बेड्स भरे हुए हैं, मतलब जिनपे मरीजों को भर्ती किया गया 12,000 जो करीब 20,000 के ऊपर बेड्स हैं, 1200 जैसा मैंने पहले कहा, 1200 जी 1200 करीब बेड्स भरे हुए हैं। और अभी भी जो 20,000 के ऊपर जो बेड्स हैं वो खाली हैं। तो अभी ये महसूस किया जा रहा है कि अभी जो कोरोना की ये जो लहर है जिसमें लोग संक्रमित हो रहे हैं उनका उपचार होम आइसोलेशन में ही हो जा रहा है, घर पे रहकर ही अपना उपचार कर ले रहे हैं और ऐसे बहुत कम केस आ रहे हैं। देखिए आंकड़े अगर देखें तो ये 3.5 से 4% का आंकड़ा है जो लोग अस्पतालों तक पहुंच रहे हैं, मतलब जिनकी दशा गंभीर है, और बाकी जो लोग हैं करीब 95% लोग हैं वो घरों में उपचार के दौरान ही ठीक हो जा रहे हैं और ठीक होकर वो बाहर निकल आ रहे हैं, जैसा कि अभी 7 दिनों का बताया जा रहा है प्रोटोकॉल है, 7 दिनों के उपचार के बाद वो ठीक होकर बाहर आ जा रहे हैं। तो इसकी जो कहा जा सकता है कि जो तीव्रता पिछली लहर से हम अगर इसकी तुलना करें तो तीव्रता तो काफी है, लेकिन जिसका जो प्रभाव है वो कम है मौतों को लेकर और गंभीर संक्रमण को लेकर। लोग कम अस्पताल तक पहुंच रहे हैं क्योंकि आवश्यकता नहीं हो रही है, और अभी जो गंभीर बीमारियों के जो मामले आ रहे हैं वो भी काफी कम आ रहे हैं। लोग एक्टिव केसेस के तुलना में डिस्चार्ज होने के जो मामले हैं वो ज्यादा हैं। तो ये कुछ फिगर्स हैं अभी प्रदेश में कोरोना के। संजय आप हमारे साथ रहे, आगे भी और जानकारी लेंगे। हम अलग अलग जिलों की जानकारी थोड़ा सा ले लेते हैं, अगर उनके यहाँ डेथ हुई है तो क्या दोनों वैक्सीन उन्होंने लगाई थी, इस तरह की कोई जानकारी है, और किस तरह से जांच हो रही, कितनी जांच हो रही है और कितने पेशेंट मिल रहे हैं। जैसा कहा जा रहा है कि अब धीरे धीरे ग्राफ कम होता जा रहा। सूर्यकांत यादव हमारे साथ राजनांदगांव से। सूर्यकांत मेरी आवाज आ रही? जी सर आवाज आ रही। सूर्यकांत संक्षेप में भाई, राजनांदगांव में आज की स्थिति में पिछले 24 घंटे में कितने पेशेंट मिले हैं, पहले कितना मिलते थे? जैसे कहा जा रहा कम हो रहा, तो वास्तव में कम हो रहा है? जी सर मैं आपको बता दूं, राजनांदगांव में पिछले 24 घंटे में जो है 224 जो है कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, वहीं
वहीं जो बोले डिस्चार्ज करने वाले की संख्या है वो लगभग 300 लोग जो है डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं राजनांदगांव में पिछले 10 दिनों में लगभग 10 लोगों की जो है कोरोना संक्रमण से मौत भी हो चुकी है। ये बड़ी बात ये गंभीर है सूर्यकांत। मैं ये जैसा आपने बताया 24 घंटे में जितने भी केस मिले, पिछले 6-7 दिन में जितने केस मिल रहे हैं तो उससे कम हुए हैं क्या? जी निश्चित तौर पर पिछले 6-7 दिन में जो है ये जो संख्या थी वो 300 के पार थी और अभी 1-2 दिन में जो ये संख्या में जो है कमी आई है, 50% जो लोग हैं वो जो है इसमें कमी आई है। क्योंकि पिछले एक हफ्ते में जो बात की जाए जो जब पीक बढ़ा था तो उसमें 500 से भी ज्यादा मरीज सामने आ रहे थे, किसी दिन 300 मरीज थे, वहीं अब जो संख्या है वो 200 के करीब सिमट गई है। तो निश्चित तौर पर कहीं कहीं कमी आई है। ज्यादातर ये लोग होम आइसोलेशन में ठीक हो गए कि हॉस्पिटल भी गए हैं, गंभीर भी थे? जी मैं बता दूं इसमें से ज्यादातर जो मरीज हैं वो होम आइसोलेशन में है, लेकिन इसमें गंभीर बात यह है कि 10 लोगों की जो है पिछले एक हफ्ते में जो है मौत हो गई है, ये कहीं कहीं गंभीर बात है। जिला प्रशासन जरूर इसके लिए कार्य कर रहा है। वहीं इसमें जो प्राथमिक तौर पर बातें सामने आई है इसमें जो बुजुर्ग लोग हैं, जो 4 लोग जिनमें मौत हुई है वो जो बुजुर्ग थे उनकी जो है मौत इसमें हुई है। नहीं, इसमें जो लोगों की मौत हुई है उन्होंने वैक्सीन, कोई आपके पास इससे जानकारी है क्या, वैक्सीन लगवा रखी थी क्या? जिसमें जानकारी मिली कि जो 2 व्यक्ति थे, जो 2 बुजुर्ग थे, उन्होंने जो है वैक्सीन का कोई भी डोज नहीं लगवाया था और बाकी जो मरीज है वो कहीं कहीं पहला या दूसरी डोज जो है लगा लिए थे। 2 जो मरीज है उनमें उन्होंने जो है कोई डोज नहीं लगाया था। नहीं, बाकी लोगों ने दोनों लगा ली थी कि सिंगल डोज लगा था? जिसमें कुछ गंभीर बीमारी वाले थे जिसमें 2 लोगों के जो है दोनों डोज हो गए थे और जो एक एक व्यक्ति है उनका जो है पहला डोज हुआ था, जो जिनकी डेथ हुई वो और किसी अन्य बीमारी से भी जो है पीड़ित थे इस कारण उनकी जो है डेथ हुई है। अच्छा, ये जांच कितनी हो रही है जिसमें इतने पेशेंट मिल रहे हैं? जी बता दूं राजनांदगांव जिले में प्रतिदिन लगभग जो है 5,000 से 6,000 जो है जांच की जा रही है। इसमें जो है रेंडम सैंपलिंग भी जो है किया जा रहा है भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में भी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग जो है रेंडमली चेकिंग कर रही है। जी, और ऑल ओवर जिले की बात करें तो 5,000 से 6,000 प्रतिदिन जो है जांच हो रही है। चले संजय, कोई सवाल तो नहीं करना आपको सूर्यकांत से? जी नहीं, मतलब देखिए अभी राजनांदगांव बिल्कुल लगा हुआ है दुर्ग से सूर्यकांत, और दुर्ग में हम देख रहे हैं कि जो संक्रमण के मामले हैं वो अब रायपुर को भी पार कर गए हैं। सबसे पहले रायपुर में सबसे ज्यादा संक्रमण था, संख्या ज्यादा थी। अब हम दुर्ग देख रहे हैं कि दुर्ग में जो संक्रमण है वो काफी है, क्योंकि वो सीमावर्ती क्षेत्र है, महाराष्ट्र से मिलता है जाकर, तो उसके लेकर कोई राजनांदगांव में तैयारियां आप देख रहे हैं जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं दुर्ग से होते हुए, मतलब राजनांदगांव पहुंच रहे हैं, बॉर्डर में क्या तैयारियां, उसका भी असर देखने को मिल रहा है आपको? बॉर्डर में क्या तैयारियां जो राजनांदगांव जो बॉर्डर से लगा हुआ है? बॉर्डर में जो है जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम निगरानी की है। मध्य प्रदेश और जो महाराष्ट्र बॉर्डर है अपने जो जिले से लगा हुआ जो बॉर्डर है वहाँ भी जो है रेंडमली चेकिंग की जा रही है। बाघ नदी बॉर्डर की बात करें तो वहाँ 24 घंटे टीम अलर्ट है और वहाँ लोगों का जो है कोरोना जांच किया जा रहा है आने जाने वालों का, और जो जिलावर्ती बॉर्डर है वहाँ रेंडमली चेकिंग जो है स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर किया जा रहा है। चलिए, मुझे लगता है आशीष के पास चलना चाहिए। संजय, आशीष तिवारी दुर्ग से हैं। आशीष, सबसे ज्यादा पेशेंट जैसा कि संजय जी बता रहे हैं, सबसे ज्यादा पेशेंट आशीष, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। आशीष, सबसे ज्यादा पेशेंट वही मिल रहे हैं क्या? लगातार पेशेंटों की संख्या बढ़ रही है कि वहाँ भी घटने लगी है, और प्रतिदिन कितने जांचें हो रही हैं? सर यहाँ पे संक्रमण की जो दर है वो लगभग 31% पहुँच चुकी है, और अगर देखा जाए आंकड़ों की बात करें तो 24 तारीख को लगभग 780 थे, उसके बाद 25 तारीख को लगभग 892 हो गए, और आपको बता दें कि पिछले 14 दिनों में 34 लोगों की मौत कोरोना में हुई है। नहीं, आपसे जानना चाहें आज 24 घंटे में कितने पेशेंट मिले हैं और इसके पहले कितने मिलते थे प्रतिदिन? आज लगभग 810 के आसपास जानकारी आई है, उसके पहले जो भी थे लगभग मैम के लिए कि 870 के ऊपर, 800 और 900 के ऊपर ही पेशेंट आते थे। चलिए, ये जिनकी मौत, कितनी मौतें हुई? 30 मौतें हुई सर 14 दिनों में, लगभग 34 लोगों की मौत हुई थी, और आपको बता दूं कि 25 तारीख गुरुवार को एक ही दिन में लगभग 5 लोगों की मौत हुई थी, और 27 जनवरी को ही 2,743 लोगों की जांच की गई जिसमें 877 पॉजिटिव भी पाए गए, और लगभग 1,015 लोग जो है कोरोना को हरा करके ठीक हो गए हैं।
ये बताइए कि जिनकी मौत हुई है आपके पास कोई जानकारी है, उन्होंने वैक्सीन लगवा रखी थी क्या, गंभीर बीमारी से तो नहीं पीड़ित थे? जी उसमें का अधिकतर लोगों ने पहला और सेकंड फर्स्ट डोज लगा चुके थे, लेकिन सेकंड नहीं लगा पाए थे, लगभग 10% लोग थे उसमें से। और जो कई लोग जिनकी मौत हुई है वो उसमें चार बुजुर्ग बताए गए थे जो गंभीर पीड़ित थे और होम आइसोलेशन में थे। चलिए संजय, कोई सवाल आशीष से? जी ये है कि अभी क्या स्थिति है, जिला प्रशासन ने क्या निर्णय लिया है, क्योंकि प्रदेश का अभी हॉटस्पॉट बना हुआ है दुर्ग, सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले हैं, तो जिला प्रशासन की ओर से कोई वहां पर कोरोना को लेकर प्रतिबंध लगाए गए हैं? जी सर, तीसरी लहर को देखते हुए 1000 ऑक्सीजन बेड की भी व्यवस्था की गई है, साथ ही जो नाइट कर्फ्यू चल रहा था शहर में और ग्रामीण क्षेत्र में, जिसमें जितने भी नगर निगम है और नगर पालिका क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू को हटा दिया गया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में नहीं, नगर में रखा हुआ है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में हटा दिया गया है। जांच आपने बताई कितनी हो रही है प्रतिदिन? प्रतिदिन सर लगभग 4,000-4,500 के आसपास जांच हुई है, दो दिनों का आंकड़ा हमारे पास है, जिसमें एक्टिव केस लगभग 1051 बताया जा रहा है। चलिए आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद, हम चलते हैं बिलासपुर जहां से हमारे साथ सुधीर सुमन हैं। सुधीर, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल सर, जी सर। सुधीर, आपके यहां कितने 24 घंटे पेशेंट मिले हैं? जी सर बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, बिलासपुर जिले में कोरोना के आंकड़े लगातार कम होते दिख रहे हैं। अगर पर डे पिछले दिन की बात की जाए तो 3705 लोगों की टेस्ट कराए गए थे, जिनमें से 148 लोगों की पॉजिटिव पुष्टि हुई है। अगर लगातार पिछले आंकड़ों की बात की जाए तो बिलासपुर में 300-350 के पार लोग पॉजिटिव आते थे, लेकिन अभी अचानक लगातार कोरोना के आंकड़े कम दिख रहे हैं। अब तक बता दूं 27 लोगों की अब तक कुल मौतें हुई है कोरोना से। जी बिल्कुल, जिसे देखते हुए आज जिला प्रशासन ने भी नाइट कर्फ्यू जो था उससे भी हटा लिया गया है। क्या मौत हो गई तो नाइट कर्फ्यू हटा लिया गया मतलब? जी बिल्कुल, अभी वर्तमान में देखा जाए तो लगातार एक हफ्तों के आंकड़े देखा जाए तो यहाँ की आंकड़े कम है, मौतों की आंकड़े कम है, पॉजिटिव की आंकड़े भी कम है, तो इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने आज नाइट कर्फ्यू भी हटा लिया गया। चलिए ये बताइए कि जिनकी मौत हुई है कोई आपके पास जानकारी है कि उन्होंने वैक्सीन लगवा ली थी या गंभीर बीमारी थी उनको, कोई हॉस्पिटल में मौत हुई है कि घर में मौत हुई है? ज्यादातर लोगों की आंकड़े देखा जाए तो लोग कई लोग ऐसे भी थे इनमें जिन्होंने दोनों डोजे नहीं लगवाई थी, और ऐसे भी लोग हैं जो पहला डोज लगवाए थे, और कई लोग ये सेकेंड डोज भी लगवाने के बाद भी उनकी मृत्यु कोरोना से हुई है। तो क्या वो स्वस्थ थे या बीमार थे या बुजुर्ग थे? जी बिल्कुल, इनमें से अधिकतर लोगों के देखा जाए जो जिनकी मौतें हुई है कोरोना से वो एजेड थे और वृद्ध थे, 50-55 से 70 के बीच के लोग ज्यादातर उनकी मौतें हुई है कोरोना से। चलिए जांचें कितनी हो रही है प्रतिदिन? 3,705 टेस्ट हो रहे हैं पर डे, जिसमें आरटीपीसीआर के साथ 309 हो रही है और एंटीजन में 3,384 जांचें हो रही है, और जिले में 56 जांच केंद्र बनाए हैं जिनमें से प्राइवेट 7 केंद्र है और शासकीय 49 केंद्र बनाए गए हैं जिला प्रशासन के द्वारा। चलिए संजय, कोई सवाल तो नहीं करना? वहाँ पर अभी बेड की क्या उपलब्धता है सुधीर? जी सर बिल्कुल, मैं बता दूं अभी 700 बेड तैयार रखे हुए हैं, जब बीच में हाल ही में एक ज्यादातर बच्चों को लेकर एक खबरें आई थी कि 180 लोग बच्चे लोग पॉजिटिव आए हुए थे, ऐसे में प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली थी और 700 बेड तैयार है, जिनमें से महज अगर होम आइसोलेशन की बात की जाए तो 1366 लोग, ज्यादातर लोग होम आइसोलेशन से ठीक हो जा रहे हैं, और महज 20 लोग, उनमें से 20 लोग ही हॉस्पिटल जा पा रहे हैं, इनमें उनमें भी उन लोग स्वस्थ हो जा रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के पास बड़ी तैयारी है, बेड की भी उपलब्धता है उनके पास। चलिए भूपेंद्र सिंह के पास चलते हैं, संजय रायगढ़। भूपेन, रायगढ़ की क्या स्थिति है? जी अभी पिछले 10 दिनों की बात करें तो बहुत अच्छा ही सुखद है कि किसी प्रकार की डेथ रेट नहीं हो रही है। पिछले 10 दिन में 2400 समथिंग टेस्ट हुए हैं, जिसमें 3587 लोग पॉजिटिव आए हैं। पिछले 10 दिन कितने टेस्ट हुए? 24,000 में।
24,000 जैसे 3,000 पॉजिटिव आए, 3,587 लोग पॉजिटिव आए, 3 की मौत हुई है। ये पहले की अपेक्षा आज से 3 दिन 4 दिन 5 दिन पहले की अपेक्षा ग्राफ घट रहा है क्या? जी बिल्कुल घट रहा है सर। और वहीं ओमिक्रॉन टेस्ट के लिए अभी तक लगभग 350 से अधिक लोगों को टेस्ट के लिए भेजा गया जिसमें एक भी संक्रमित नहीं मिले हैं। चलिए, डेथ भी हुई है क्या? जी नहीं, पिछले 10 दिनों में तीन लोगों की डेथ हुई है जिसमें 25 तारीख को दो और 26 तारीख को एक। संजय आपको सवाल करना है भूपेंद्र सिंह से। से यही पूछूंगा क्योंकि भूपेंद्र जैसा कि मैं पूछा, मैंने अभी सूर्यकांत से पूछा, विपत राम सारथी जी से भी यही सवाल होगा कि बॉर्डर पर क्या व्यवस्था है। जी, रायगढ़ जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में उड़ीसा होने के कारण 3 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। 3 शिफ्टों में 8-8 घंटे की शिफ्टों में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की टीम पुलिस तीनों निगरानी कर रही है और बहुत ही अच्छे से अभी वहाँ टेस्ट हो रहा है और चेकिंग हो रही, किसी को बिना 72 घंटे का रिपोर्ट लिए बिना अंदर बॉर्डर में घुसने नहीं दिया जा रहा है और जिन्होंने नहीं कराया उनका वहीं स्पॉट पे ही टेस्ट किया जा रहा है। चलिए चलिए, सुखद बात यह है संजय वहाँ की बता रहे हैं कि डेथ नहीं हुई है। चलिए सुकमा चलते हैं, खाटी खाटी आदिवासी क्षेत्र है ओलम नागेन जहाँ हमारे साथ हैं। ओलम जी, मेरी आवाज आ रही? चले संजय, लगता कट गया। एक अच्छी चीज ये है संजय कि थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि घटते जा रहे हैं, गंभीर पेशेंटों की भी कमी बताई जा रही है, लेकिन चिंता की बात यह है जैसा कहीं कहीं कह रहे हैं कि दोनों डोज लगवाने के बाद भी डेथ हुई है। हाँ जी, दोनों डोज लगने के बाद भी डेथ हुई है, लेकिन मैंने जैसा आपको कहा कि मैंने जो ऑडिट शुरुआती जो ऑडिट थी, कुछ जो जानकारियां मिली तो उसमें ये देखा कि जो दोनों डोज जिनको लगी हुई है वो भी बाद में चलकर या तो उनकी उम्र ज्यादा थी या फिर उनको कोई गंभीर बीमारी थी। मैंने देखा कोई किडनी से पीड़ित था या फिर किसी को ब्लड प्रेशर शुगर बहुत ज्यादा था, मैंने ये आंकड़े देखे। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों डोज लगाने वाला बिल्कुल ऐसा कोई नहीं है जिसके की मृत्यु न हुई हो, मौत न हुई हो। ऐसे भी केस सामने आ रहे हैं जिनको कि ज्यादा इन्फेक्शन हुआ हो और जिनको कि उस इन्फेक्शन के बाद उनकी मृत्यु हुई हो, तो ऐसे भी कुछ मामले देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ज्यादातर जो मामले हैं वो हम देख रहे हैं कि वो ऐसे ही हैं जाकि उम्र ज्यादा है या फिर कोमॉर्बिडिटी है, वो ही ऐसे ज्यादा मामले हैं। तो हमारे साथ ओलम नागेन जुड़ गए हैं, संजय उनसे उनके पास चलते हैं। ओलम, मेरी आवाज आ रही? जी सर, आ रहा है सर। ओलम, सुकमा की क्या स्थिति है, कितने पेशेंट मिल रहे हैं, किसी डेथ हुई है कि नहीं हुई है, जांच कितनी हो रही है? सुकमा जिले की अगर कुंटा तोमपाल चिंगावरम जो जापरा है सर, उसको जो है जांच केंद्र बनाया गया है। लगातार जो बाहरी जो क्षेत्र से जो लोग आ रहे हैं उनका बिना कोविड या बिना टीका का जांच के उनको प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। और अगर बात की जाए सर एक्टिव केस की, तो 382 जो है वो एक्टिव केस है और लगातार डिस्चार्ज जो है 1 मार्च 2021 से अगर देखा जाए तो सर 4,402 मरीज जो है वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। और मृत्यु की जो है सर बात की जाए तो दूसरे लहर में जो है वो 15 लोगों की मृत्यु हुई थी, वर्तमान स्थिति में एक भी मृत्यु सुकमा जिले में नहीं हुई है। और कई लोग जो है 378 जो लोग हैं सर वो आइसोलेशन में ही अपना उपचार करवा रहे हैं। वर्तमान में जो अस्पताल में है 4 लोगों का इलाज जारी है सर। सिर्फ वैक्सीन अभी भी लगाई जा रही है आदिवासी क्षेत्रों में? सुना था कि लोग वैक्सीन के प्रति जागरूक नहीं थे या हिलावाली करते थे, वैक्सीन क्या पोजिशन है? सर सुकमा जिले में वैक्सीनेशन की अगर बात की जाए 98% जो है वो वैक्सीनेशन हो चुका है सर। और जो अफवाहें बीच में निकल के सामने आई थी, जिला प्रशासन लगातार स्वास्थ्य विभाग और पुलिस के कर्मियों के द्वारा जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा गया था, उसके बाद जो है वहां के जो मितानिन है उनके द्वारा लगातार समझाइश देने के बाद जितने भी जो लोग हैं जो वैक्सीनेशन से डर रहे थे या मौतों का जो जो आवाजें सुन रहे थे, तो लगातार जो है सभी ने वैक्सीन लगा चुका है सर जी। चले संजय, कोई आखिरी सवाल करना हो तो ओलम से? कोई संजय आपका सवाल है? यही मैं पूछने वाला था जिसका जवाब मिल गया कि पहले। हाँ बोलिए बोलिए। ग्रामीण क्षेत्रों में जो था जो 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 दूर वैक्सीनेशन होने थे वहां पर काफी दिक्कत आ रही थी शुरुआती दौर में, मैंने देखा लोग विरोध कर रहे थे, यहां पर की जो वैक्सीनेशन के लिए टीम पहुंची होती थी उन्हें खदेड़ दिया जाता था, ये स्थितियां मैंने देखी थी उस वक्त। अभी जो बता रहे हैं नागेंद्र की वहां पर लोग अब कोऑपरेट कर रहे हैं,
हालांकि टीम्स वहां पर भेजी जा रही है, पुलिस की, पैरामेडिकल स्टाफ की, डॉक्टर्स की, तो अब लोग वहां पर सहयोग कर रहे हैं, तो ये जानकारी कहीं ना कहीं संतोष देने वाली है जैसा नागेंद्र बता रहे हैं। चलिए, समय भी समाप्त हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे सभी संवाददाताओं का। संजय आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सारी जानकारी, आप नजर बनाए रखें और अपने को सुरक्षित जरूर रखें। तो कोरोना की तीसरी लहर में हालांकि गंभीर मरीजों की संख्या कम है, लेकिन फिर भी जो मौतें हो रही हैं उसको देखते हुए सरकार का फोकस गंभीर मरीजों की ओर बढ़ गया है। कोरोना से गंभीर बीमार सभी लोगों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भुवनेश्वर भेजे जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के अनुसार जांच से स्पष्ट होगा कि कौन सा वेरिएंट मरीज को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा। अब देखना यह होगा कि स्वास्थ्य विभाग का ये कदम कोरोना से होने वाली मौत पर कब तक लगाम लगा पाती है। ये हुई छत्तीसगढ़ की बात, अब रुख करते हैं।